बड़ी बात यह है कि मैं सीतामढ़ी में नगर निगम का जो मैं सेवा करूंगा, कोई नेतागिरी करके नहीं, नेता बन के नहीं, मैं सीतामढ़ी का बेटा बन के सेवा करूंगा। डॉक्टर प्रवीण ही क्यों, दूसरा प्रत्याशी क्यों नहीं? डॉक्टर प्रवीण इसलिए कि शिक्षित है, डॉक्टर है, और प्लस इन्होंने हर जगह पे अपने आप को प्रूव करते हुए, जब ये स्टूडेंट है, MBBS किया, एम्स में काम किया, हम कहाँ जाते हैं? सबसे ज़्यादा हम सुरक्षित इस हॉस्पिटल में महसूस करते हैं, एम्स में। जैसे ही कुछ ज़्यादा बड़ा होता है तो लोग एम्स जाते हैं। आपके साथ में एम्स का डॉक्टर। नमस्कार, मैं हूं मुकेश झा, आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज। बिहार के सीतामढ़ी जिला के नगर निगम से मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर प्रवीण कुमार, एक डॉक्टर होने के बावजूद जनता का सेवा में हमेशा से तत्पर रहते हुए डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा, मैं सीतामढ़ी नगर निगम का नेता नहीं बल्कि बेटा बनकर कार्य करूंगा। सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा पर रहेगी पैनी नजर। मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर प्रवीण कुमार विगत 6 माह पहले से ही अपने हर वार्ड में घूमकर फ्री चिकित्सा कैंप लगाकर गरीबों को मदद करने का कार्य किया है। सीतामढ़ी नगर निगम से मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जनता को जनादेश देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। समाज सेवा कहीं भी आपको अगर जिसे डॉक्टर का इमिग्रेशन है सेवा कर, अगर उससे ज़्यादा अगर समाज को ज़रूरत है, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो उसके आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं ये सुना हूँ कि मेयर अभी नया पहली बार नगर निगम बना है सीतामढ़ी, जिसमें अगर मेयर कोई उचित शिक्षित लोग बनते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि सीतामढ़ी जितनी बदहाली से गुजर रहा है वो डेवलप होगा, चेंज होगा, स्मार्ट बनेगा सीतामढ़ी, बहुत सारी समस्याएँ हैं दूर होंगी, ईमानदारी से काम होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं सोचा कि इस नगर निगम में चुनाव लड़ूं और मेयर बन करके सीतामढ़ी की जनता को सेवा करूं। सर, ये जो है नगर निगम चुनाव जो है और जो गाँव पंचायत चुनाव होता है, ये काफ़ी बड़ा पद होता है सर, तो इनकी जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हो जाती है। आप कैसे से डॉक्टर भी हैं, तो इन जिम्मेदारियों को अगर जनता ने आपको मौका दिया तो किस तरीके हैंडल करेंगे? देखिए, जिम्मेदारी हैंडल करने वाले होते हैं बहुत सारे कर सकते हैं, नहीं करने वाले होते हैं एक भी नहीं कर सकते। जब मैं सीतामढ़ी में आया तब एक सिंगल हॉस्पिटल चलता था लोगों का, क्लिनिक टाइप का, और मैंने जिम्मेदारी लेकर के एक बड़ा सा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला, सारे डॉक्टर, सारे स्टाफ, सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके मैंने काम किया, और आज एक सक्सेसफुल तरीका से हमने हजारों लोगों का इलाज किया है, गरीबों का भी इलाज किया है इसमें सरकारी योजना के तहत। तो नगर निगम का भी जो काम है एक चैलेंजपूर्ण काम है, लेकिन चैलेंज स्वीकार करना मेरा बचपन से आदत रहा है। मैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक हर जगह हॉस्पिटल में काम किया हूँ बड़े बड़े, और सब जगह मेहनत करके ही आगे बढ़ा हूँ। सर, आपके अनुभव का क्या क्षेत्रवासी को लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में तो मेरा अनुभव है वो सारे जिलावासी जानते हैं। साथ में मैं इन विगत 6 महीनों में जब से नगर निगम चला गया, तो मैंने सारे नगर निगम के सारे वार्डों में, गाँव मोहल्लों में, गाँव में मैं फ्री चिकित्सा कैंप लगाया और भ्रमण किया, लोगों की वहाँ की प्रॉब्लम्स को देखा, समझा कि कहाँ कैसे दूर कर सकता हूँ मैं, और मैंने सर्वे कराया यहाँ पे लोगों का कि मैं क्या उचित कैंडिडेट रहूँगा आप लोगों के हिसाब से। तो लोगों का करीब 2,500-3,000 लोगों का बहुत पॉजिटिव आया, मैंने 3,000 लोगों का सर्वे कराया था। तब मैंने ये प्लान किया कि मुझे मेयर का चुनाव लड़ना है और आगे सीतामढ़ी में बहुत सारा जो काम है उसको मुझे जिम्मेदारी से करके। क्या डॉक्टर प्रवीण का सपना क्या है नगर निगम को लेकर? देखिए, नगर निगम के लेकर सपना मेरा सबसे बेस्ट मेन सपना ये है कि सीतामढ़ी को मैं एक मास्टर प्लान के तहत जो है डेवलप करूं, और यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, और यहाँ की जो ट्रैफिक जाम, गंदगी, पानी का जल जमाव तो सबसे मुख्य समस्या है, सुरक्षा की समस्या है, इन सबको बारी बारी से सिस्टम वाइज टेक्निकली इसको हैंडल, सीधे बोलने से नहीं होता, टेक्निकली किस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं। सर, जिस पैसे से आप हैं, खास करके गरीब लोग काफ़ी ज़्यादा अगर स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती है तो पैसे बगैर जो है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पास कोई पैसे नहीं रहते हैं, ऐसे ऐसे भी नौबत आती है, उसमें आपका योगदान कहाँ तक रहेगा, इसके बारे में आपने हमारे आप तमाम दर्शक को बताइए। रहेगा नहीं, ये योगदान मेरा चल रहा है पहले से, क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री जी का योजना चल रहा है आयुष्मान भारत का, उसमें मैंने हजारों लोगों का इलाज किया है आयुष्मान में फ्री में, मुंबल सरकार की योजना के तहत, जिसमें किडनी पेशेंट जो मरने के आसन पे होते हैं उसकी डायलिसिस करना अभी भी चलता है, महीना में 150-200 डायलिसिस हम लोग करते हैं आयुष्मान भारत के तहत, तो बहुत हद तक मैं वो सुविधा दे रहा हूँ।
लेकिन चूंकि एक एज ए प्राइवेट हॉस्पिटल के नाते एक लिमिटेशन है जो हॉस्पिटल को चलाना है, तो जो और सुविधा मुझे चाहिए, जो जनता को और चाहिए, उसके लिए मुझे किसी पद पर आकर के सरकारी पद पर आने का सवाल आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर परवीन का सपना क्या है नगर निगम को लेकर, तो बेस्ट प्लानिंग बताया। बेस्ट प्लानिंग है कि पहले मास्टर प्लान के तहत यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को दूर करना, सेंट्रलाइज ड्रेनेज सिस्टम बनाना। इस समय का अब ये बहुत बड़ा इन्होंने घोषणा किया है, जो नगर निगम जो है जो अभी वर्तमान में सीतामढ़ी बना है, ये चाहते हैं कि सपनों का जो नगर निगम है सीतामढ़ी है बेहतर कैसे बने, आइए सुनते हैं उनसे भी उनको और बात करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले कि यहाँ सीतामढ़ी शहर की स्थिति गाँव से भी बेहतर बनी हुई है, मैंने देखा काफी डेवलप अच्छे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। विजन बता दीजिए। विजन मेरा विजन ये है कि पहले तो सीतामढ़ी को मैं स्वच्छ सीतामढ़ी बनाऊ, पहला स्वच्छ कैसे कि सारा अगर नाली पानी गंदगी ये सब खत्म हो जाए, जल जमाव बंद खत्म हो जाए, तो स्वच्छ होगा सीतामढ़ी, सफाई हो, पार्कों की सफाई हो, स्वच्छ सीतामढ़ी। अगर सरकारी अस्पतालों में और सुविधा बढ़ जाए, मोहल्लों में छोटे छोटे क्लिनिक खुल जाए और सरकार की योजनाओं को आम गरीब जनताओं को पता चले कि उसको क्या योजना है, उसका अधिकार मिले, कार्ड बने लोगों का, उसकी वजह से स्वच्छ सीतामढ़ी बन सकता है। और उसके बाद शिक्षित सीतामढ़ी अगर डेवलप होता है, इंस्टीट्यूट वगैरह पढ़े लिखों की यहाँ कमी नहीं, बाहर बाहर जाके करते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह डेवलप किया जाए, जैसे मेडिकल कॉलेज का भी चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, इस तरह का बहुत सारे इंस्टीट्यूट टाइप का डेवलप किया जाए ताकि लोग प्राइमरी लेवल पर शिक्षित हो, जागरूकता लाया जाए लोगों में। उसके अलावा आपको आता है सुरक्षित सीतामढ़ी। सुरक्षित सीतामढ़ी का मतलब होता है कि यहाँ की जनता चाहे महिलाओं हो पुरुष हो निर्भीक रूप से दिन में रात में अपना काम कर सके, शहर में निकल सके। तो उसके लिए क्या है कि आपको सुरक्षा होना चाहिए, कम से कम हर जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, हर जगह पे आपको जो है सो स्ट्रीट लाइट होना चाहिए ताकि कोई भी घटना ना हो सके। पुलिस प्रशासन जो काम कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा इस तरह का कुछ प्रशासनिक प्रेशर होना चाहिए कि सिस्टम को टेक्निकली ढंग से अच्छे से मैनेज करे कि कहीं भी कोई क्राइम हो ना, अगर होता है तो तुरंत उस पर रिएक्शन होता है कि जो क्राइम करने वाले लोगों को लगे कि मैं क्राइम करके बच नहीं सकता हूँ। तो जहाँ तक मेरे नगर निगम के अधिकार के क्षेत्र में होगा मैं वो भी करूँगा, और जो नहीं होगा दूसरे के अधिकार में होगा तो मैं जरूर रिकमेंड करूँगा और उनसे पैरवी करूँगा कि इस चीज़ को आप दबाव डालूंगा कि आप इसको लागू करें। और तीसरा नंबर एक और अच्छा मेजर हो जाए विकसित सीतामढ़ी। तो जो विकसित सीतामढ़ी आप ये जान रहे हैं कि सीतामढ़ी जो उसका नाम पड़ा है माँ सीता की जन्मभूमि के नाम पर, और हमेशा ये आप इंडिया में कहीं भी जाएंगे कोई नहीं जानता है, अयोध्या को सब जानता है, पहले सीता राम होता है, सीता जी का नाम आता है, उसके बाद राम जी का नाम आता है, लेकिन सीतामढ़ी को उपेक्षित रखा गया है, अभी तक कोई भी इस पे काम नहीं किया गया जितना दयनीय स्थिति यहाँ पर है। तो विकसित करने के लिए इसको वर्ल्ड के मानचित्र पर लाना होगा, इसके लिए टूरिज्म को डेवलप करना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, इस तरह से आप देखिए मेयर के पद के चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जनता ने मौका दिया तो क्या इस सपने को साकार करेंगे आप? देखिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं, दो चीजें हैं, मैं कोई हवा में बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ उसके, मैं बता रहा हूँ कि मैं बोलने का कारण क्या है, उसका कैसे होगा कि हर काम मेरे मेयर के अधिकार में नहीं होता है, अगर मेयर से पावर आपका अधिकार है, लेकिन जो एक मेयर एक पोस्ट होता है शहर का, तो शहर में कोई भी डेवलपमेंट होता है तो मेयर का जरूर उसमें योगदान होता है। अगर मेयर होशियार है, मजबूत है, एजुकेटेड है, तो जो उसके पावर में है वो करेगा, और जो उसके पावर में नहीं किसी और के पावर में है तो उससे भी करा सकता है। इसके तहत जो टूरिज्म डेवलप होता है तो रोजगार डेवलप होगा, तो विकसित होगा, लोगों की जो है बहुत सारी जो गरीबियाँ हैं बाहर पलायन कर रहे हैं वो लोग यहाँ रोजगार अगर मिलता है। जो मैं जैसे सिंगल क्लिनिक चला पाता, मैं मल्टीपल चलाता हूँ, तो कम से कम 100-200 लोगों का रोजगार यहाँ से चलता है डायरेक्ट। ये छोटा सा एक सेंटर है, अगर बड़ा सा इस तरह का गवर्नमेंट के सेक्टर में बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम हो, टेक्निकल काम हो, जैसे नगर निगम में कोई सिस्टम नहीं है कि कब सफाई हो रही है, कब गंदगी है, कब नाली जमा है, अगर वो सिस्टम से चला दिया जाए, कंप्यूटराइज हो जाए, हर जगह कंप्लेन का हो, ऑनलाइन सुविधा हो कि आपको कहीं भी अगर सफाई नहीं हो रही है डेली सफाई होना चाहिए, नाला का सफाई है चाहे झाड़ू लगना है, अगर नहीं हो रहा है आप वन वे वार्ड पे कंप्लेन करें, वार्ड से नहीं सुन रहा है डायरेक्ट सेंट्रल सिस्टम पे कंप्लेन करें, इस तरह का विजन है जो बनाने का कि डायरेक्ट आप संवाद कर सकते हैं। जैसा कि आप तमाम दर्शकों ने सुना, ब्यूरो रिपोर्ट ट्रू फैक्ट न्यूज, बाकी के देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे ट्रू फैक्ट न्यूज को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।